गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे SST, ठीक है। SST में चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब, ठीक है। जैसे देखते हैं इसमें किस चीज़ के बारे में, किस किस थिंग्स के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है, वो देखते हैं। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू चाइल्ड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर, लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कल आपने रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर ऑल ये सारे देखे होंगे, ठीक है। आपने क्या नोटिस किया, क्या हुआ था कल, या फिर लास्ट ईयर आपसे किसी ने कुछ कहा हो तो क्या वो बातें आपको याद है, या फिर वो आपसे क्या कहा था। ये तो लास्ट ईयर की बात हुई, लेकिन हमारी कंट्री में, हमारे अर्थ पे लॉन्ग लॉन्ग एगो, मतलब बहुत साल पहले, है ना, जब हमारा आपका किसी का भी बर्थ नहीं हुआ था, उस टाइम पे देखते हैं क्या हुआ था, वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। हिस्ट्री पढ़नी है हमें, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं आगे। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानेंगे, क्या जान सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हम इस चैप्टर में हमें क्या बताया जाएगा, इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या नॉलेज मिलती है, क्या हिस्ट्री है इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, ध्यान से देखोगे सब लोग, ध्यान से सुनोगे, ओके। देखो, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल ईट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, द हाउस इन विच दे लिव्ड, वी कैन फाइंड अबाउट द हिल्स ऑफ हंटर्स, हेडोस, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। ये सब क्या है, ये सब है बहुत साल पहले लोग कैसे रहते थे, किस टाइप के लोग थे, है ना, कैसे रहते थे वो, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। वो कहाँ रहते थे, है ना, लाइक हंटर्स, हंटर्स मीन्स पहले के ज़माने में शिकारी होते थे, है ना, तो उनके बारे में, शिकारी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फार्मर्स के बारे में पढ़ना है ना। एंड देखो आगे, रूलर्स, है ना, रूलर्स पहले के ज़माने में रूलर्स होते थे ना, किंग जो रूल करते थे, है ना, मर्चेंट्स, प्राइड्स, है ना, क्राफ्ट पोसन, ये सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, दे द प्लेस दिस दे शॉ, द सॉन्ग दिस सैंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले के ज़माने में जो पीपल थे वो कैसे, कौन सा गेम प्ले करते थे, कौन सा खेल खेलते थे, है ना, कौन सा, किस तरीके का गाना सुनते थे वो, ठीक है, किस तरीके का स्टोरी सुनते थे हमें, है ना। मतलब ये इस चैप्टर में पहले के ज़माने के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ना है, पहले के ज़माने के लोग के लिविंग स्टैंडर्ड क्या हैं उसके बारे में पढ़ना है ना। ओके, देखते हैं, वेयर डिड पीपल लिव, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पीपल कहाँ रहते थे, पहले के लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। फाइंड द नर्मदा रिवर, नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, ठीक है। इस चैप्टर में पेज 2 पे नर्मदा रिवर का मैप दिया हुआ है, ठीक है। उस मैप से हम देखेंगे कैसे, कहाँ कहाँ लोग रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले के ज़माने में लोग ये जो नर्मदा रिवर है ना, उसके बैंक पे रहते थे, उसके किनारे में रहते थे, ठीक है, बहुत साल पहले, थाउजेंड्स ईयर, मतलब हजार साल पहले की ये बात है, है ना। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदर्स पीपल हु लिव देयर स्किल्स। आगे देखिए, गैदर्स दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। इसका मतलब क्या हुआ, पहले के लोग जब नर्मदा रिवर के बैंक पे रहते थे ना, तो सब लोग एक साथ इकट्ठा होके रहते थे, एक साथ जमा होके रहते थे, ठीक है, और फूड के लिए सर्च करते थे, जो भी फूड वो लोग जमा करते थे, सबको एक साथ जमा करते थे, एक साथ इकट्ठा करते थे, ठीक है। दे न्यू अबाउट द वर्स्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग्स फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट
प्रोड्यूस फॉर देयर फूड. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल. पहले के ज़माने में लोग कैसे, पहले घर नहीं होता था, ठीक है, ऐसी छोटा छोटा सा ऐसे मतलब कुछ तंबू टाइप का ऐसा बना के, या फिर ऐसे ही बिल्कुल खुले में इस तरीके से लोग रहते थे, ठीक है. खाते क्या थे, जंगल में वो लोग जाते थे, ठीक है, जंगल में जो भी होता था, फ्रूट्स होता है ना वो, फिर और भी कुछ ऐसा प्लांट प्रोडक्ट्स उनको मिल गया. इसके अलावा वो जंगल जंगली जानवर का शिकार करते थे और वो सब खाते थे, ठीक है. पहले का लाइफ स्टाइल एंड अब का लाइफ स्टाइल, बहुत चेंजेज है दोनों में, ठीक है ना. यहाँ तक समझ आ गया ना, अब देखते हैं आगे, ठीक है. आगे देखिए पेज नंबर 2 पे क्या दे रहा है. नाउ सॉरी, यहाँ देखिए पेज नंबर 2 पे दिख रहा है ना सबको. सॉरी वंस अगेन, यहाँ नाउ फाइंड द हेलो. ओके, आगे देखेंगे, यहाँ देखिए. नाउ फाइंड द सुलेमैन एंड किर्थोस हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, है ना. यहाँ देखिए इस मैप में आपको दिख रहा होगा नॉर्थ वेस्ट के साइड. ओके, आगे देखते हैं उसमें क्या है. सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मेन फोर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वेट एंड बर्ली अबाउट 8,000 ईयर्स अगो. आज से 8,000 साल पहले कुछ मेन्स एंड विमेन्स, ठीक है, मेन्स एंड विमेन्स मिलके सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किए थे. और सबसे पहले खेत में क्या उगाया था उन्होंने, वेट वर्ली, है ना. पीपल ऑल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप गोट एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन विलेज. उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे गांव सेटअप किया, ठीक है, गांव सेटअप किया. और उसमें ये जो है ना कुछ एनिमल्स उनको अपने साथ रखने लगे, ठीक है. जंगल पहले तो ऐसे ही रहते थे खुले में, कहीं जंगल नदी के किनारे यूं ही. फिर वो धीरे धीरे करके गांव एक सेटअप कर लिया, एक गांव बसा लिया. फिर उस गांव में रहने लगे, वहां खेती करने लगे. खेती को किस चीज़ की, वेट की और बर्ली की, ठीक है. एंड आगे देखिए, एंड उसके अलावा उन्होंने क्या किया, कुछ जानवर अपने साथ रखने लगे. वो जानवर कौन से थे, देखो, सिप गोट एंड कैटल, ठीक है, वो उनके साथ गांव में रहते थे, ठीक है. आगे देखिए, लोकेट द गर्गो हिल्स टू नॉर्थ ईस्ट. इसमें देखिए, एंड विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया. देखो यहाँ विंध्याज दिख रहा है ना सेंट्रल में बिल्कुल, और नॉर्थ ईस्ट में देखो यहाँ, यहाँ सर्च करना है आपको गर्गो हिल्स. ये देखो है ना गर्गो हिल्स, यहाँ है ना, दिखा ना सबको गर्गो हिल्स. यहाँ देखिए सेंटर में दिख रहा है ना विंध्याज, है ना. इसी तरह से यहाँ पे देखिए, दिस वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज. ये सब दूसरा एरिया है, ठीक है, वेयर एग्रीकल्चर्स डेवलप्ड. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन जगहों पे एग्रीकल्चर्स डेवलप्ड हुआ, ठीक है. आगे देखिए, द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज. विंध्याज मैंने दिखाया था ना आपको, जस्ट बीच में लोकेट कर रहा था, है ना, बिल्कुल सेंटर पे था. वहाँ पे सबसे पहले राइस का फार्मिंग किया गया था, वहाँ पे सबसे पहले चावल उगाए गए थे, ठीक है. आगे देखिए, ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. फिर से मैप पे जाएंगे आप, ठीक है, आप लोग देखो मैप पे और वहाँ पे देखो इंडस रिवर कहाँ है. देख रुको, देखते हैं इंडस रिवर इसमें कहाँ है. देखो दिख रहा है कहीं, देखो इसमें ध्यान से देखो, इंडस यहीं पे होगा, ठीक है. कहाँ रहा इंडस, यस ये देखिए, ये रहा इंडस रिवर, है ना, इंडस रिवर. इसके बारे में मैं क्या बता रही थी, आगे देखिए, देखिए इंडस रिवर, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इसमें देखिए क्या है, आज इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर अ स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर. ये है ना इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज मतलब समझते हो, छोटी छोटी नदी जो होती है ना उसकी
वो बिल्कुल जाके इंडस में मिलके इंडस को बड़ी बनाती है, मतलब ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी, ठीक है। इंडस तो एक बड़ा सा नदी है, फेमस है ना, उसके अलावा छोटी छोटी सी नदी होती है, ठीक है, जो उसको और बड़ा